चार दिन पूरी युवती पर तेजाब डालने वाला आरोपी गिरफ्तार, सलोन पुलिस ने किया खुलासा। जी हां, आपको बता दें कि आज से लगभग चार दिन पूर्व कंसमणि मामा ने आधी रात में गैर जनपद से आकर सलोन कोतवाली क्षेत्र के समसपुर गांव स्थित भांजी पर तेजाब फेंककर फरार हो गया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दिया था। सलोन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर खुलासा किया। सीओ सलोन इंद्रपाल सिंह ने बताया कि उमरन नहर के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध तमंचे के साथ अन्य सामग्री भी बरामद हुई। हालांकि यदि देखा जाए तो कई महीनों बाद सलोन पुलिस ने सीओ स्तर से इस तरह मामले का खुलासा सलोन सर्किल के नवागंतुक सीओ इंद्रपाल सिंह द्वारा किया है, जिसमें कोतवाली प्रभारी पंकज त्रिपाठी भी पूरी एक्शन मोड में दिखे। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18, जिला संवाददाता रायबरेली। पीड़िता के पिता की तहरीर पर रहमानी व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आज सर क्या पूरा प्रकरण बता देते? पुलिस अधीक्षक महोदय रायबरेली के द्वारा इस प्रकरण में टीम गठित की गई थी। थाना अध्यक्ष सलोन पंकज त्रिपाठी व सरदांश प्रभारी अवरेश त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम गठित कर इसमें ये टीम को सफलता मिली है। इसमें दंपत के ऊपर केमिकल फेंक देने वाले दो अभियुक्त अवैध शस्त्र व कारतूस साथ गिरफ्तार किए गए हैं। ये घटना 29-30 जनवरी की रात की थी, जब इन दो अभियुक्तों द्वारा जो है यहाँ सलोन के थाना क्षेत्र के गांव में आके इन्होंने केमिकल फेंका था और टीम के द्वारा इनको आज गिरफ्तार किया गया है उमरन नहर के पास से। और इनके कब्जे से एक अदद कट्टा और कारतूस, एक खाली शीशी केमिकल की, एक भरी शीशी और दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजे जा रहे हैं। इसमें बसीर का क्या रोल था, क्या इसका बसीर बसीर और ये दोनों ये चाह रहे थे कि शादी लतीफ़ के साथ ना हो, इसीलिए जो है इन्होंने इसके ऊपर ये केमिकल फेंका था और इसी रंजिश पहले से चल रही थी और आज हमारी टीम को सफलता मिली है।